आरएमएचएफ की तरफ से फाकत गिल का आप सबको सलाम। आज हम हमजा टाउन आबादी में बैठे हुए हैं जो कि नियर योनाबाद है, और हमारे साथ जो शख्सियत तशरीफ रखे हुए हैं इनका नाम परवेज भट्टी है जो कि कराची से बिलोंग करते हैं, और इसके साथ साथ आपको बताते जाएं एक सामाजिक कारकुन है और क्रिश्चियन यूनिटी फॉर्म के ये चेयरमैन हैं, और इसके साथ साथ ये शहरी के मेंबर भी हैं। मैं आज आप सबकी इनके साथ मुलाकात करवाता हूँ और साथ में पूछते हैं, क्रिश्चियन यूनिटी फॉरम का तो हमें तकरीबन समझ लग जाती है, लेकिन ये शहरी क्या है और शहरी बेसिकली एनजीओ किस पे काम करती है? सर परवेज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया आज के दिन। पूछना चाहते हैं कि शहरी बेसिकली शहरी है क्या? सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से तमाम व्यूअर्स को जिस वक्त हम देख रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, उनको सलाम पेश करता हूँ और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इंतहाई ममनून हूँ कि आज उन्होंने मुझे मौका दिया कि हम कुछ आपसे बातचीत कर सकें। मेरा ताल्लुक ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है, और इसके अलावा शहरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी सामाजिक कामों पे ही काम करती है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिश्चियन यूनिटी फोरम से ताल्लुक है मेरा, और उसको उस ऑर्गेनाइजेशन को हम रन कर रहे हैं थ्रू आउट पूरे पाकिस्तान और अब्रॉड में भी। कराची में तो आप शहरी का काम कर ही रहे हैं, लाहौर में भी आपके होंगे मेंबर्स? ये बेसिकली स्टार्ट कराची से हुआ था 1988 जी, और कुछ मेंबरान ने मिलके इसको रन किया था, और मकसद सिर्फ इसका ये था कि पाकिस्तान में अगर कोई पावरफुल है, अगर कोई ताकतवर है, तो वो शहरी है। हम शहरी को प्रमोट करना चाह रहे हैं कि आम जो शहरी है, जिसका जिक्र जो है बार बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, आईने पाकिस्तान में भी शहरी के हकूक की बात होती है, तो ये इदारा शहरी के हकूक के लिए ही बात करता है। बेसिकली मेंबर्स तो उसके सिंध में, कराची में ज़्यादा हैं, लेकिन बहुत से हमने प्रोग्राम्स जो हैं अवेयरनेस के, मुख्तलिफ जो वर्कशॉप्स हैं हमारी, वो थ्रू आउट पूरे पाकिस्तान में होती रहती हैं, और जहाँ भी इस वक्त आप मौजूद हैं लाहौर में, यहाँ पे भी पुलिसिंग के हवाले से काफ़ी प्रोग्राम्स हमारे हुए हैं। आप पुलिसिंग पे भी काम कर रहे हैं? जी, पुलिस पे भी। जी, पुलिस, सॉरी टू से, बुरा ना मनाइएगा, पुलिस से तो पहले ही आवाम काफ़ी उनके खिलाफ है। इवन काम पे जाते हुए बंदे का तलाशी शुरू हो जाती है बगैर वजह, जाते हुए तीन लड़के खड़े हैं, उनकी तलाशी ली जाती है, उनके ऊपर किसी भी इल्जाम से उठाया जाता है, ऐसी सौ बातें। अवाम पुलिस से तो खुश है ही नहीं, तो शहरी पुलिस पे क्या काम कर रही है, जबकि शहरी ही पुलिस से बदजन है? शहरी जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली वो पुलिस पे काम नहीं कर रही, वो शहरियों के हकूक के लिए ही काम कर रही है, कि जो शहरियों को जो मसाइल है पुलिस से, जो उनको तहफ़ुज़ात है पुलिस से, जो उनको शिकायात हैं पुलिस से, बेसिकली ये शहरी जो हमारा ये एक डिपार्टमेंट है वो उस पर काम करे, ताकि पुलिस का और एक आम शहरी का जो है वो पैशअप कराया जाए। जितनी शिकायात एक आम शहरी को है, अगर आप पुलिस वाले से बात करते हैं तो पुलिस वालों को भी बहुत सारी शिकायात जो है वो आवाम से होती है। लेकिन सर सॉरी, मैं फिर आपकी बात काट रहा हूँ, पुलिस से आवाम को हमायत की तो वक्ो ही नहीं है। पुलिस के बेसिकली इख्तियारात क्या हैं आवाम के लिए, क्योंकि आवाम तो ऑलरेडी उनसे बदजन है, पुलिस के इख्तियारात क्या हैं? बात यह है कि जब आपके घर में, आपके इलाके में कोई मसला होता है और वो हल नहीं होता कम्युनिटी बेसिस पे, तो आपको मजबूरन थाने पुलिस के पास जाना ही पड़ता है, और ये सोच के आपके जाते हैं कि पुलिस हमारे मसाइल हल करेगी। जब एक इदारा बना हुआ है तो आप वहां जाते हैं। अगर लोग जो है पुलिस से मुतमिन नहीं है, और लोगों को पुलिस से बहुत सारी शिकायत है, कि नफरत है, तो फिर उनको थाने जाने की जरूरत नहीं है। थाने वो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी उस पुलिस जो है मामलत करती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, शिकायत हैं जो पुलिस से लोगों को होती हैं। हम उन शिकायात को दूर करने के लिए ही मुख्तलिफ सेमिनार्स या वर्कशॉप करते हैं, ताकि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, पुलिस के जो लोग हैं, पुलिस का जो अमला है, उनको अवेयर किया जाए कि उनके भी कुछ हदूद है, ज्यूरिडिक्शंस हैं उनकी, उनकी हदूद बंदी है, उसको तजावज नहीं कर सकते, लेकिन जो तजावज करते हैं वो वायलेशन करते हैं पुलिस सर्विस रूल्स की। यही मैं बात कर रूल्स के सब, तो उसको तो कोई भी प्रमोट नहीं करता, डिपार्टमेंट नहीं करता। आपने बहुत सारे अखबारात में, मैगजीन्स में, मीडिया पे देखा होगा कि जब पुलिस को बहुत ज्यादा जाती करती है
तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है, पुलिस के ऊपर कोर्ट भी है, पुलिस के ऊपर और बहुत सारे इदारे हैं, ये सारी चीजें उनको देखते हैं। सर आप लोग सेमिनार्स करते हैं जी, आप आला अफसरान से मिलते हैं, उनसे अवाम की जो मसाइल है वो डिस्कशन करते हैं उनके साथ कि यार ये मसला है, आप सर इसको इस तरह हल करें, आप इसको इस तरह हल करें आया। लेकिन सर फिर भी अवाम के शिकायत बहुत ज्यादा है, पुलिस के मसले मसाइल अवाम के साथ बहुत ज्यादा है। तो सर मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि इतने मसले मसाइल में आप कैसे उनको समझा सकते हैं। हमने अपने सेमिनार्स में इस वक्त 1600 तकरीबन लोगों को जो है वो एनजीओ हमारे शैनी ने उनके उनकी तरबियत के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे, उनको बकायदा सर्टिफिकेट्स दिए। शहरी ऑर्गेनाइजेशन ने थ्रू आउट पूरे पाकिस्तान में पुलिसिंग के जो है वो प्रोग्राम्स किए, वर्कशॉप रखे, और उन वर्कशॉप में उनको ट्रेन किया, उनको ये तरबियत दी है कि पुलिस के जो हकूक जो उनके क्या कहते हैं हदूदबंदी है, हदबंदी है उनकी, और पुलिस में जितना उनका एक कानून जो उनको इजाज़त देता है उस कानून के अंदर रहते हुए वो अवाम की जो है उनको सर्विसेज प्रोवाइड करें। और जो वायलेशन हो रही है, बहुत से हमारे पुलिस अफसरान अब जो है वो बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनको मालूम नहीं थी और ये सारी मालूम जो है वो पुलिस उनको शहरी वालों ने उनको प्रोवाइड की। आपसे बात पूछना चाहूँगा, आपने उनको आवाम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की कि आप पुलिस के साथ, एक तरह ये कह सकते हैं कि आप पुलिस की और आवाम की दोस्ती करवा रहे हैं ताकि उनके अंदर कोई किसी किस्म का इख्तलाफात ना रहे, इसी तरह है सर। लेकिन क्या ऐसा वक्त आएगा, एक क्वेश्चन है, देखिए क्या ऐसा वक्त आएगा क्या पुलिस इस बात को समझेगी कि आवाम चाहती है कि वो हमारी सपोर्ट के लिए आए। देखिए बात ये है कि देखिए आदमी को हर अच्छे काम के लिए कोशिश करते रहना चाहिए, बहुत अच्छा शेर है वो कहते हैं कि कोशिशों से हयात बनती है और जहद बहम से जात बनती है, बात करने से नहीं होता, काम करने से बात बनती है। वाह, तो आप जब तक अच्छे काम का आगाज नहीं करेंगे अच्छी नीयत के साथ तो तब्दीली आ नहीं सकती, क्योंकि ये इदारा कोई ऐसी गवर्नमेंट सपोर्ट से काम नहीं कर रहा, ये यही इन्हीं चीज़ों को देखते हुए उन्होंने इस पे काम शुरू किया है ताकि जो आवाम के साथ ज्यादती या कभी कभी हम खुद भी इसका शिकार होते हैं कि जब देखते हैं कि उनकी पुलिस वाला जो उसकी तसेल कर रहा है, उससे बदतमीजी से बात कर रहा है, उसको ये नहीं पता कि एक पाकिस्तान का जो शहरी है वो पाकिस्तान का मालिक है। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान का शहरी पाकिस्तान का मालिक है और आप जो है वो इनके पब्लिक सर्वेंट हैं। ये चीज़ उनको बार हमें बावर कराने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब वो वर्दी में एक नया शख्स आता है तो भी सारी चीजें भूल जाता है जी। ये इन सेमिनार का मकसद ये है कि उनको रिमाइंड किया जाए कि अगर एक आम शहरी को जो है वो जराइम से मिसाइल है उनके उनको तहफ़ की जरूरत है तो आप है, अगर एक आम शहरी को अगर तहफ़ की जरूरत ही ना हो और मुल्क में इतना ज्यादा अमन हो तो फिर पुलिस की जरूरत नहीं है, जब जराइम नहीं होंगे तो पुलिस की जरूरत भी नहीं है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था, पुलिस की वर्दी के ऊपर उनके शोल्डर पे PSP, सर इसका क्या मतलब है, क्योंकि पुलिस तक तो हमें मालूम है लेकिन PSP का क्या मतलब है? ये कहलाता है पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, ये पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान का ये शॉर्ट है, इसका एब्रीविएशन है, और जिसके ऊपर ये लिखा होता है, कभी आप किसी पुलिस की वर्दी पे ये चीज लिखी हुई देखें तो फिर आप समझ लीजिएगा कि ये पाकिस्तान पुलिस सर्विस का एक बंदा है जिसको पूरे पाकिस्तान में कहीं भी तैनात किया जा सके, ये इसका फिक्र है। तो बहुत से लोगों को इसका इल्म नहीं होता। हाँ जी, क्योंकि कुछ कुछ पे लिखा होता है सिर्फ पुलिस और कुछ पे लिखा होता है PSP। जिस पे PSP लिखा होता है इसका मतलब है कि उसको पूरे पाकिस्तान में पुलिस सर्विस के लिए कहीं भी तैनात किया जा सकता है। सही सर, देखें आपका एक महकमा कर रहा है सर, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि जब वो थाने जाते हैं तो वहां पर सर FIR नहीं होती, FIR के लिए बार बार आना जाना पड़ता है। अब एक नया एक रूल आया है, नया तो नहीं काफी पुराना हो चुका है कि पहले कोर्ट जाए फिर वहां से वो लेके आए मंजूरी फिर FIR होती है, सर उस प्रोसीजर के बारे में कुछ बता सकते हैं? इसमें ये है कि शहरी वालों ने इसमें थोड़ा सा काम किया था कि ये एक बड़ा लेंथी एक आम सी कंप्लेन आ रही थी कि जब हम FIR दर्ज कराने के लिए जाते हैं तो पुलिस जो है वो FIR दर्ज नहीं करती या FIR दर्ज करने के अगेंस्ट एक भारी रकम जो है वो मांगती है।
तो बात यह है कि इसके ऊपर चूंकि अब बड़ी सख्ती हो गई है, लेकिन आवाम भी ऐसी होती है कि घरेलू मसाइल छोटी छोटी चीजों के लिए जो है वो कहते हैं जो हमारी FIR दर्ज करें। अब उसके लिए एक स्क्रूटनी सिलसिला है कि वो जाहिर सी बात है वो ऊपर हायर अथॉरिटी की अप्रूवल के बगैर वो FIR दर्ज नहीं होगी। अब अगर किसी थाने में कोई एप्लीकेशन जाती है तो वो ऊपर से अप्रूवल होकर फिर नीचे आती है। मतलब पहले ये होता था कि थाने वाले जो अक्सर कहते थे कि भाई हम ये दर्ज नहीं कर सकते, अगर वो एक जराइम के हवाले से FIR है तो जराइम के हवाले से भी FIR जो है वो उसको दर्ज कराने में काफी एक आम शहरी को काफी मुश्किल का सामना होता है। तो आमतौर पर पुलिस को कहती है जी हम इसको दर्ज नहीं कर रहे, आप ऐसा करें आप कोर्ट से बाई से का लेटर एक ले आए, ऑर्डर ले आए तो हम इसको दर्ज कर देते हैं। कोर्ट के पास पहले ही लाखों के हिसाब से केसेस जो है वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, तो ये एक इजाफी बर्डन कोर्ट के ऊपर डाल दिया जाता है कि वो आपको परमिशन दे FIR के लिए। लेकिन अब सिलसिला ये हुआ है कि अब FIR दर्ज कराने के लिए आपको बाई से की बजाय जो है वो थ्रू आउट जो है वो हायर अथॉरिटी से ही परमिशन लेके तो ये FIR दर्ज वो अप्रूवल करेंगे, वो देखेंगे कि आया ये FIR बनती है और ये FIR उसके जुमरे में आता है तो वो FIR जो है वो अप्रूवल होकर आ जाएगी, तो थाने वाले आपकी FIR जो है वो काट देंगे। आपको कोई पैसे किसी को देने की जरूरत नहीं, एक ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, आपको एक रुपया भी किसी को पुलिस वालों को इसके अगेंस्ट देने की जरूरत नहीं। ये आपका फंडामेंटल राइट है कि ये आपकी FIR दर्ज करें। अगर वो आपकी FIR दर्ज नहीं करता, आप थाना नहीं करता, तो उसके ऊपर आप SP के पास जाएं, आप SSP के पास जा सकते हैं, आप ऊपर जाके बात कर सकते हैं कि सर ये हमारी एप्लीकेशन थी, ये हमारी एप्लीकेशन दर्ज नहीं हुई। आपको ये सारी चीजों का इल्म होना चाहिए। आप बार बार उनको खुद भी जो है वो उनको रिश्वत की पैसों की ऑफर ना करें। अगर आपका मसला नहीं हल हो रहा और ऊपर जाके बात कर सकते हैं, ऊपर वाली ये सारी चीजें आपकी वो करने के लिए तैयार बैठे हैं और वो करेंगे इंशाल्लाह। किसी भी काम के लिए रिश्वत देना कानूनन जुर्म है, क्यों सर? कानूनन जुर्म है और इसको जब हम दे देते हैं या वो ले लेते हैं तो इस जुर्म में हम दोनों बराबर के शरीक हैं। सर मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर थोड़ी सी अगर आप रोशनी डालें। मैंने अभी लाहौर शहर में मैं आया था, यहाँ पे मैंने पुलिस के हवाले से यहाँ पे थोड़ा सर्वे किया और थोड़ा मुख्तलिफ जगहों पे विजिट किया, तो मैंने देखा कि यहाँ पे पुलिस जो है बड़ा ऑनेस्टली और बड़ा अच्छे तरीके से वो काम कर रही है और बिल्कुल अपनी ड्यूटी को ऑनेस्टली कर रही है। मैं यहाँ के IG साहब को, यहाँ के तमाम DSP साहब को और जो मुतलका पुलिस के अफसरान हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि लाहौर शहर में बहुत अच्छे तरीके से पुलिसिंग जो है वो काम कर रही है। लेकिन अगर कहीं पे पुलिस काम ठीक नहीं कर रही तो मेरी IG साहब से, DIG साहिबान से, SSP साहिबान से ये गुजारिश है कि आप उन कंप्लेंट्स को, उन शिकायत को रैपिडली जो है उनको उसका जो है वो उसका उसको हल करें और उसको हल करा करें ताकि अवाम में एतमाद जो है पुलिस के बारे में और पुलिस से मुतालिक एतमाद और ज्यादा बहाल हो। सर मैं लास्ट में चाहूंगा कि आप अपनी शहरी NGO की तरफ से अगर हमारे देखने वालों के लिए कोई अच्छा सा मैसेज, तो सर मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँगा। मैसेज तो हम यही देना चाहते हैं कि देखें अभी चूंकि पुलिस के हवाले से बात हो रही थी तो हम चाहते हैं कि जहाँ पुलिस का रवैया जो है वो कभी कभी हमें तजलीलज़मीर नजर आता है और हम समझते हैं कि हमारी वो शायद बेइज्जती कर रहे हैं या वो उस जबान में बात नहीं कर रहे जो तहजीब के दायरे में आती है, तो हमारी आवाम को भी चाहिए कि देखिए जब कोई पुलिस वाला आपको रोकता है तो आप एक अच्छे शहरी होने का सबूत दीजिए और अच्छे शहरी होने के सबूत के साथ आप उनको बताइए कि आप देखिए यही शहरी है। जब ये रेंजर्स रोकती है, उनको आर्मी रोकती है, ना वो ज्यादा बात करते हैं ना ये उससे ज्यादा बात करते हैं, तो हमें अपनी पुलिस की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जब आप उनसे रिस्पेक्ट से बात करेंगे तो तवक्को ये की जा सकती है कि वो भी हमसे रिस्पेक्ट से बात करें। लेकिन इसी तरह जो है कि हम पुलिस के साथ अगर अच्छा हमारा पैचअप रहेगा तो हमारे मसाइल भी हल हो सकते हैं और हमारी हमारे जो है वो पुलिस के साथ जो है वो एक दो जब तक पुलिस के साथ हमारी दोस्ती नहीं होगी, एक पुलिस वाला हमारा अच्छा दोस्त नहीं होगा तो हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। और पुलिस वाले जो हमारे भाई इस वक्त जो हमारी ये वीडियो ये क्लिप्स देख रहे हैं उनसे हमारी गुजारिश ये है और हम मुतअद्दिद जो है अपने सेमिनार्स में ये बात कह चुके हैं कि अगर एक आम शहरी थाने में जाते हुए घबराता है, डरता है, खौफजदा होता है तो फिर एक पुलिस में और एक डाकू में कोई फर्क नहीं।
लेकिन जब एक शहरी जो है वो बिला खौफ व खतर थाने में जाता है और एक एक बड़े इत्मीनान से जाके अपने मसले का हल करता है, बात करता है, आपको एप्लीकेशन देता है दोस्ताना माहौल में, तो फिर हम समझें कि पुलिस अपना काम जो है वो ठीक कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। सर परवेज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया, शहरी के हवाले से इंटरव्यू दिया, शहरी के हवाले से हमारी गुफ्तगू हुई, आपने अवाम को समझाया बताया कि कानून के पुलिस के मुताबिक हमें कैसा चलना चाहिए, पुलिस के बेसिक इख्तियारात क्या हैं, PSP का मतलब क्या है। मेरे ख्याल से हमारे देखने वालों ने तमाम इंटरव्यू सुन लिया है, बहुत सी चीजें जिनको वो नहीं जानते थे कि FIR क्यों नहीं की जाती। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इन तमाम बातों को अपने जहन में रखें, ये नहीं कि आप लोग ये सोचें कि ये जो बोल रहे हैं बस ठीक है इंटरव्यू, ये खत्म नहीं है, बल्कि इस पर अगर हम लोग अमल करते हैं तो हमारी जिंदगियां कानून के मुद्दे के चलेंगी और हमारे घरों में भी सुकून होगा। RMHF की तरफ से फाकत गिल का आप सबको सलाम, और मैं सर प्रवेश भट्टी का फिर से शुक्रगुजार हूं। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।